बात बन गई। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल को लेकर सीटों में बात बन गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के बीच सीटों को लेकर समझौता हो गया है। सूत्रों के मुताबिक एसपी आरएलडी को 25 से 30 सीटें देने पर राजी हो गई है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कुछ उम्मीदवार आरएलडी के सिंबल पर लड़ेंगे, तो वहीं आरएलडी के कुछ उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे। तो बात बन गई है। हालांकि इस बात के संकेत तो पहले भी दिए जा रहे थे कि गठबंधन हो सकता है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर बात अटकी हुई थी। लेकिन अब सहमति बन गई है। कम से कम ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये तो यही संकेत दे रही है कि समझौता हो गया है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और जयंत चौधरी की ओर से भी ट्वीट की गई ये तस्वीर, और बदलाव की ओर आगे कदम बढ़ाने की बात कही गई है इस ट्वीट में। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, हालांकि कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी तो 50 सीट मांग रहे हैं, फिर ये बताया जा रहा है कि 25 से 30 सीट, कैसे मान गई इसको लेकर आरएलडी? मीमांसा, देखिए, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच में सीटों को लेकर कई दौर की बातचीत इससे पहले हो चुकी है और आज सपा आरएलडी के गठबंधन पर बात फाइनल हो चुकी है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। 25 से 30 विधानसभा सीटें समझौते के तहत समाजवादी पार्टी आरएलडी को देने को तैयार हुई है और इस पर सहमति भी बनी है। इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी होंगी जिस पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर आरएलडी के भी कुछ कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे और आरएलडी के सिंबल पर सपा के भी कुछ कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। 25 से 30 ऐसी सीटें हैं जिनकी खबर सामने आ रही है कि जो कि इस गठबंधन में बात फाइनल हुई है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें, कुल 29 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर जाट मतदाता अच्छी खासी संख्या में हैं और जिन सीटों को लेकर सूत्रों ने बताया है बातचीत हुई है उसमें आगरा जिले की दो सीटें हैं, फतेहपुर सीकरी, आगरा ग्रामीण। इसके अलावा हाथरस की एक विधानसभा सीट है, सादाबाद, मथुरा की तीन विधानसभा सीटें हैं, बागपत की तीन विधानसभा सीटें हैं, इसके साथ ही साथ अलीगढ़ की दो विधानसभा सीटें हैं, बुलंदशहर की तीन विधानसभा सीटें हैं, अगर आप देखेंगे इसमें शामली की दो विधानसभा सीटें हैं और अमरोहा की दो विधानसभा सीटें हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 25 से 30 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिनको लेकर यह समझौता हुआ है और आने वाले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच में औपचारिक तौर पर गठबंधन का ऐलान होगा। सीटों को लेकर पिछले कई दौर में बातचीत हुई है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और एक आम सहमति अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच बन चुकी है। अखिलेश यादव ने भी फोटो ट्वीट की, जयंत चौधरी ने भी फोटो ट्वीट की। कहा यह जा रहा है दोनों ही पार्टियों के सूत्रों के मुताबिक सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है, दोनों नेताओं के बीच सहमति बन चुकी है, औपचारिक ऐलान बाकी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मीमांसा जी, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैसे भी काफी प्रभाव माना जाता है जयंत चौधरी का, और ऐसे में अगर दोनों ने हाथ मिला लिया है तो ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है दोनों का हाथ मिलाना। वैसे आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में भी दोनों साथ पहले लड़ चुके हैं 2017 में, उसके बाद जो लोकसभा के चुनाव आए थे उसमें भी साथ साथ लड़े थे। ये अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों का गणित आप समझिए, ये कुल मिलाकर है 136 सीटें और इसमें आगरा मंडल में आती हैं 23 सीटें, और बीजेपी को कितनी मिली थी ये हम आपको यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किसके खाते में कितनी सीटें गई थी। अलीगढ़ मंडल जहां पर 17 सीटें मिली थी और बीजेपी के खाते में 16, एसपी को कोई सीट यहां पर नहीं मिली थी और अन्य के पास एक। तो अब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसे समीकरण बदल जाएंगे जब दोनों ने हाथ मिला लिया है, ऐसे में ये बड़ी चुनौती माना जा सकता है बीजेपी के लिए। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.